नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हर हफ्ते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मैं कार्यक्रम करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यह सिलसिला शायद यहां थम जाएगा, मगर यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से जो घटना उभर कर आई है ना, वो सिहरन पैदा करने वाली है। एक लड़की को पहले अगवा किया जाता है, उसका गैंगरेप होता है, और यही नहीं, गैंगरेप के बाद उसका बलात्कार करने वाले अपराधी उसे सिगरेट से टॉर्चर करते हैं, उसके शरीर में दाग लगाते हैं। 15/8/2020 को थाना गोला में एक क्राइम लिखा गया था जो 711/2020 अंडर सेक्शन 363, 376D, 326 IPC व 5 बेडरफेड फॉस्टर एक्ट में, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की बात थी, जिसमें उसको परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया, उस लड़की का मेडिकल कराया गया और आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए? उनके जहन में डर क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूं, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने उत्तर प्रदेश की जनता को वादा किया था रामराज्य देने का, मगर रामराज्य तो कोसों दूर है। खुलेआम अपराधी जो हैं इस कदर घूम रहे हैं, उनके जहन में कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अपराधी आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको सीधी चुनौती दे रहे हैं, और आपका प्रशासन, आपका पुलिस पूरी तरह से खामोश है। मैं बताता हूं आपका प्रशासन और आपका पुलिस क्या करता है। आपका प्रशासन और आपका पुलिस निहत्तों पर हथियार उठाता है, पत्रकारों पर कार्रवाई करता है। आप सिर्फ वही कर सकते हैं। असली अपराधी आपको ठेंगा दिखा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की यह घटना याद है? यहां पर पहले एक 13 साल की लड़की का बलात्कार होता है। परिवार यह भी आरोप लगाता है कि उसकी आंखें तक निकाल दी गई थी, उसके गुप्तांगों पर वार किया गया था। यह बात अलग है कि पुलिस कहती है कि सिर्फ बलात्कार हुआ था। उसमें अभी लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपियों को पहले ही धारा 302 के तहत पुलिस ने जो है जेल भेज दिया है। इसमें चूंकि रेप की पुष्टि हुई है तो धारा 376D की अभिवृद्धि की जाएगी। मगर सिर्फ ये एक बलात्कार तो नहीं हुआ है ना, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं पुलिस से कि आखिर आपके पास क्या जवाब है, आखिर क्या जवाब है कि इस तरह से बार बार ये घटनाएं उभर कर आ रही हैं और आप पूरी तरह से नाकाम हैं। मैं आपको बताता हूं आप नाकाम क्यों हैं, क्योंकि ना जनता को आप पर विश्वास रहा है, और जनता जब आपके पास जाती है तो आप उसके साथ बेरहमी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो डाला है। ब्रजेश जी का यह दावा है कि एक किसान के कान पर पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा कि उसे सुनना तक बंद हो गया। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं वीडियो देखने के बाद, और यह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की हकीकत बन गई है। देखिए यह वीडियो। किसने मारा था? क्या मारा था? कब की बात है? नहीं, हमने आपको वापस कर दिया ताकि आप जाओ। क्या हुआ? लखन के ना जा रहे रात भर। ये सब अच्छी बात नहीं है। गरीब की सुनवाई कहाँ है? क्या वजह है कि कुछ लोग दबंग होकर घूम रहे हैं? जब अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो यह कहा जाता था कि हर थाने में एक यादव बैठा हुआ है। मगर अब क्या ठाकुरों की दबंगई के सामने प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है? मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूं और यह खबर सिहरन पैदा करने वाली है। आपके स्क्रीन पर जनसत्ता की खबर। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के सामने नतमस्तक नहीं हुआ दलित प्रधान तो गोलियों से भून डाला गया। इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। खबर क्या है, मैं आपको उसकी दो पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहता हूं। घटना में मारे गए 42 वर्षीय दलित का नाम सत्यमेव जयते बताया जा रहा है। वो पहली बार ही बांसगांव का प्रधान बना था।
दलितों का आरोप है कि सत्यमेव ने ठाकुरों के सामने नतमस्तक होने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे मार डाला गया। गौरतलब है कि आजमगढ़ के बांसगांव में ऊंची जाति के मुकाबले दलितों की संख्या करीब 5 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद यूपी के अन्य जिलों की तरह यहां भी फिलहाल असल ताकत ब्राह्मणों और ठाकुरों की पकड़ में मानी जाती है। सिर्फ इसलिए कि उसने घुटने नहीं टेके, इसलिए उसे गोलियों से भून डाला गया। क्या कानून का राज है इस प्रदेश में? और आज मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं कहां? आप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के वहां की सरकार को टारगेट कर रही हैं, मगर जहां से आपके 10 सांसद हैं, और वो 10 सांसद क्यों आए? क्योंकि आपने शख्स अखिलेश यादव के साथ गठबंधन बनाया था उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों में। अब इन तमाम मुद्दों पर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, और यह चीज बहुत चिंता में डालने वाली है मेरे लिए। निजी तौर पर यह बहुत चिंता में डालने वाली है, क्योंकि मैं हर बार अपने दोस्तों से यह कहता हूं कि जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से वो स्वर्णिम काल था उत्तर प्रदेश का। बाद में मूर्तियों ने, आपकी शायद अहंकार ने आपकी कुर्सी ले ली, वो एक अलग बात है, मगर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से वो एक स्वर्णिम काल था। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस दलित का दर्द आपको दिखाई नहीं देता? मैं आपको बता दूं कि बात यहां नहीं रुकती है। यह खबर पढ़िए, बहुत ही सिहरन पैदा करने वाली है। प्रतापगढ़ के रानीगंज में बाप बेटे को भरी पंचायत में कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। बाप बेटे का नाम क्या है? दयाशंकर मिश्र और आनंद मिश्र। ये लोग अपनी जमीन के सिलसिले में गांव की पंचायत में इंसाफ के लिए गए थे, और बीच पंचायत में दयाशंकर मिश्र और आनंद मिश्र को मौत के घाट उतार दिया गया। ये चीजें तो मध्ययुगीन काल में हुआ करती थी। हम किस दुनिया में पहुंच गए हैं, किस वक्त में पहुंच गए हैं? योगी जी, क्या आपको ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कड़े तेवर अपनाए हैं। क्या कहना है पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का, आप खुद सुनिए। अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम हुई है, और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है। उसकी जनता की कोई चिंता नहीं है, और जिस तरह से करप्शन पुलिस के अंदर बढ़ा है, जिस तरह से पुलिस की सांठगांठ अपराधियों के साथ बढ़ी है, जैसे वीडियो आए हैं, उससे साफ जाहिर होता है पुलिस अगर अपराधी के साथ डिस्को करेगी तो अपराधी तो हो जाएंगे, किसको अब बताएं, जनता अपनी बात कहे किसको? यह हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का स्वराज चल रहा है, और लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता जा रहा है। इसकी सीधी सी वजह है कि सरकार का अपराध पे कंट्रोल खत्म हो गया है। जो सरकार बातें करती थी, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो या तो जेल में चले जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश से अपराधी कहीं नहीं गए, उत्तर प्रदेश के अंदर में ही घूम रहे हैं, और वो हर जिले में वारदात कर रहे हैं, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे हापुड़ की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चाहे लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो कासगंज की घटना हो मां बेटी के साथ, या उन्नाव की घटना हो, और जिस तरह से एक अपने बॉर्डर पे जो हमारा फौजी होता है उसके साथ उसके पिताजी को जिस तरह से मार दिया जाता है, अब बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर में कानपुर में जिस तरह की घटनाएं लगातार हुई, पुलिस का इनकाउंटर कर दिया गया, 8-8 पुलिस वाले शहीद हो गए, पुलिस वाले को सामने फिरौती का पैसा लेके भाग गए, और पुलिस हाथ पे हाथ रख के देखती रहती है। ये है उत्तर प्रदेश की हालत। यही नहीं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है वो उसके हाथ में तुरुप का पत्ता है। जी हां, उन्हें पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर भी हुआ तो हम उस युग में रह रहे हैं जब आम इंसान ने धर्म और राष्ट्रवाद का धतूरा चाटा हुआ है। हमने तो राम मंदिर शिलान्यास कर दिया, अब क्या जरूरत है हमें कुछ और करने की? उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना का जो हालत है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के केसेस 1,30,000 से ऊपर हो गए, और आपने देखा कि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें हमारे दो दो कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या भयावह हालत है, अपराध की तो आप जानते हो क्या हालत है। देखिए, अब जात धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी।
भारतीय जनता पार्टी कितनी भी जाति धर्म की राजनीति करने की कोशिश करे, उत्तर प्रदेश के अंदर में आप सिर्फ रोजगार की राजनीति होगी, विकास की बात होगी और महिला सुरक्षा की बात होगी। अगर इस पे सरकार बात करेगी तो ही इनकी जनता इनकी सुनेगी। आप जाति धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है, चाहे कितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले। उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि सिर्फ विकास के रास्ते से उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, जाति धर्म के रास्ते से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर महिलाओं पर इसी तरह से अत्याचार बढ़ता रहेगा, इसी तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ता रहेगा, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर जंगल राज रहेगा तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है अब जाति धर्म की राजनीति पे कुछ नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी की जाति धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। लॉ एंड ऑर्डर आपके काबू में नहीं है, आप सिर्फ पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। कोरोना को लेकर आपके हालात काबू में नहीं है। मैं बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि महान बल्लेबाज चेतन चौहान जो कि मंत्री थे योगी सरकार में, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है गुड़गांव के मेदांत अस्पताल में कोरोना से। इससे पहले एक और मंत्री कमला रानी कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई थी। बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो कोरोना वायरस से प्रभावित पाए गए, संक्रमित पाए गए। हकीकत यह है और इस हकीकत से दूर मत भागिए। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश की सियासत में खासी सक्रिय हो गई है। प्रियंका गांधी लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रही हैं। अब उनका फेसबुक पोस्ट सामने उभर कर आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर, लगता है इसी तरह की घटनाओं से यह साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है, उसी का परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की विभत्स से विभत्स घटनाएं जो है सामने उभर कर आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन ना तो सुरक्षा दे पा रहा है और ना ही उचित कार्रवाई कर पा रहा है। आप जानते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो फलसफा आया था, ठोक देंगे अपराधियों को, ठोक देंगे, तब मुझे याद है कई फर्जी एनकाउंटर्स हुए थे और वायर के लिए मैंने कार्यक्रम किया था। पत्रकार नेहा दीक्षित की रिपोर्ट के कुछ इनपुट्स का मैंने इस्तेमाल किया था और उस आधार पर मैंने ये मुद्दा उठाया था कि देखिए आप इस तरह से फर्जी एनकाउंटर्स नहीं कर सकते। अपराधियों को अगर आप मौत के घाट उतारते हैं तो एक अलग बात है, मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह लगता था कि अगर इससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो जाए तो क्या यह बुरा है। मैं खुलकर यह बात नहीं कहता था, शायद आज मैं पहली बार कह रहा हूं, मगर अब क्या हो रहा है, हो सकता है आपके डर से, आपके इस ठोकदे के डर से कुछ लोग काबू में आ गए होंगे, मगर अब बाकी लोगों की दबंगई लगातार बढ़ रही है। आपका जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो दावा है ना, वो सिर्फ एक ढकोसला है, वो एक ढोंग है, वो सिर्फ सियासत है। उसके जरिए सिर्फ आप अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो मैंने तमाम आपको मिसालें बताई हैं, पिछले दो दिनों की मिसालें हैं, ऐसा नहीं कि पिछले कई अरसे से, लगातार पिछले एक महीनों में आप नजर डालिए, आप सुबह उठते हैं और आपके सामने उत्तर प्रदेश की एक शर्मनाक या विभत्स घटना आती है जहां हमारी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पंचायत के अंदर इस तरह से दयाशंकर मिश्र और उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है, एक दलित को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने ठाकुरों के सामने सल्यूट नहीं किया, सिर नहीं झुकाया। आज ये आपका रामराज्य कैसे हो सकता है, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, कैसे हो सकता है रामराज्य। मगर मैं जानता हूं कि आपके जहन में थोड़ा सा भी डर नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने भगवान श्री राम मंदिर का शिलान्यास है और आप उसी पर सवार होकर दोबारा सत्ता में आने की लालसा रखते हैं। मगर जिस राम राज्य का आप दावा कर रहे थे, आपका वो दावा सबसे ज्यादा खोखला साबित हो रहा है। पूछे उन तमाम परिवारों से जिनकी बच्चियों को इस बेरहमी के साथ बलात्कार किया गया। इन तमाम सवालों के पास आपके पास जवाब नहीं है, मगर न्यूज चक्र में हम ऐसे मुद्दे आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।